गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू फिफ्थ क्लास। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर इज नाउंस यानी नंबर्स। नाउंस जो संज्ञा जो है वो नंबर्स में। देयर आर टू नंबर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एकवचन और प्लूरल बहुवचन। अ सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जो सिंगुलर नाउन होता है वो केवल एक पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर करता है, जैसे थीफ, स्कूल, बुक। अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन। जो प्लूरल नाउन होता है वो एक से अधिक पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर करता है। हम सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, होम होम्स, एप्पल एप्पल्स। इफ अ नाउन एंड्स इन एस एक्स एस एच और सी एच, यदि नाउन एस एक्स एस एच और सी एच से एंड होते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस बसेस, फॉक्स फॉक्सेस, बंच बंचेस, डिश डिशेस। इसके अलावा क्या करते हैं, इफ़ अ नाउन एंड्स इन वाई, अगर सिंगुलर नाउन वाई से एंड होते हैं और या फिर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको प्लूरल बनाते समय हम वाई हटाकर आई एस लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नेवी नेवीज, बेबी बेबीज, बॉडी बॉडीज। नेक्स्ट है इफ़ अ नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, अगर सिंगुलर नाउन एफ और एफ ई से एंड होते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए हम एफ और ई एफ ई को वी ई एस में चेंज कर देते हैं, जैसे काफ काफ्स, लीव लीव्स, लाइफ लिव्स। यदि नाउन सिंगुलर नाउन में वाई और वाई से पहले वॉवेल आते हैं तो प्लूरल बनाते समय हम सिर्फ एस लगाते हैं। वैसे हमने बताया था कि आई ई एस लगाते हैं वाई को हटाकर, लेकिन अगर सिंगुलर से पहले वॉवेल आता है तो हम वहाँ पर सिर्फ एस लगाते हैं, जैसे ट्वाई। वाई से पहले वो आया है ना तो ये वॉवेल है तो ट्वाइस। ऐसे ही वैली, यहाँ ई वॉवेल है वाई से पहले तो वैलीज। मंकी, यहाँ वाई से पहले वॉवेल है तो मंकीज। यहाँ पर हमने सिर्फ एस लगाया है। आगे, If a noun ends in O, यदि singular noun O से end होते हैं तो भी हम ES लगाते हैं, यानी vowel से end होते हैं तो हम ES लगाते हैं, जैसे potato का potatoes, mosquito mosquitoes, tomato tomatoes। The plural of some nouns are formed in an irregular manner। कुछ plural forms singular से बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे ox का oxen हो जाएगा, goose geese हो जाएगा, फुट का फीट हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ सम कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाई एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। जब एक सिंगुलर नाउन कई वर्ड से मिलकर बनता है तो उसमें हम फर्स्ट वाले में एस लगाते हैं, जैसे डॉटर इन लॉ, तो ये तीन वर्ड से मिलकर बना है डॉटर इन लॉ, तो यहाँ पर हम डॉटर में एस लगाएंगे, डॉटर्स इन लॉ। नेक्स्ट है सम नाउन डू नॉट चेंज इन द प्लूरल, कुछ नाउन प्लूरल में बनाते समय चेंज नहीं होते हैं, जो सिंगुलर में होते हैं वही प्लूरल में रहते हैं, जैसे डियर, शीप, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल को जानने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज बुक और कॉपी में करेंगे। इसमें आपको एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द टेबल विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस, ये टेबल कंप्लीट करनी है सिंगुलर और प्लूरल नाउंस में, तो जैसे मैंने की है वैसे ही आपको करनी है, और ये ए एक्सरसाइज सिर्फ आपको बुक में करनी है, और बी सी और ई एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है, डी एक्सरसाइज ना बुक में करनी है और ना ही कॉपी में करनी है। तो आइए देखते हैं बी एक्सरसाइज। कंप्लीट ई सेंटेंस विद द सिंगुलर ऑफ द नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो प्लूरल नाउंस दिए हैं उनको आपको सिंगुलर में चेंज करके यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट ई सेंटेंस विद द प्लूरल ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिए हैं, इनको आपको प्लूरल में चेंज करके यहाँ पर लिखना है।
ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल बनाते समय जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई एक्सरसाइज है, सर्कल द प्लूरल नाउंस, देयर माइट बी मोर देन वन इन अ सेंटेंस, वन हैज़ डन फॉर यू। इसमें आपको क्या करना है, जो भी एक सेंटेंस में अगर दो वर्ड्स प्लूरल दिए हुए हैं तो वो भी आपको सर्कल करने हैं। तो हमें सेंटेंस में प्लूरल नंबर्स पहचानने हैं और उस पर सर्कल करने हैं, जैसे मैंने किए हैं वैसे ही आपको अपनी बुक करने हैं। तो क्या करेंगे आप, जो भी एक्सरसाइज मैंने कराई हैं, यानी ए एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है सिर्फ, और बी सी आपको बुक में और कॉपी में दोनों में करनी है। कॉपी में जैसे एक्सरसाइज मैंने की है वैसे ही आप अपनी नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पर करेंगे। इस तरीके से हमारा फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट होता है।